काम सफल हो जाए तो परिग्रह बन जाता है। यदि काम स्वयं की हीनता से विफल हो जाए तो चोरी बन जाता है। यदि काम दूसरे के कारण से विफल हो जाए तो हिंसा बन जाता है। काम के मार्ग पर, कामना के मार्ग पर, इच्छा के मार्ग पर अगर कोई बाधा बनता हो तो काम हिंसक हो उठता है। अगर कोई बाधा ना हो, भीतर की ही क्षमता बाधा बनती हो, तो काम चोर हो जाता है। और अगर कोई बाधा ना हो, भीतर की कोई अक्षमता ना हो और काम सफल हो जाए तो परिग्रह बन जाता है। इस काम को गहरे से समझना जरूरी है। मनुष्य एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। इस जगत में ऊर्जा एनर्जी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। समस्त जीवन एक ऊर्जा है। वे दिन लद गए जब कुछ लोग कहते थे कि पदार्थ है। वे दिन समाप्त हो गए। नीत्शे ने इस सदी के प्रारंभ होते समय में कहा था कि ईश्वर मर गया है, लेकिन ये सदी अभी पूरी नहीं हो पाई। ईश्वर तो नहीं मरा, पदार्थ मर गया है। मैटर इज डेड। मर गया है कहना भी ठीक नहीं है। पदार्थ कभी था ही नहीं, वो हमारा भ्रम था, दिखाई पड़ता था। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ सिर्फ सघन हो गई ऊर्जा है, कंडेंस्ड एनर्जी है।